हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द कोन की एक्सरसाइज है हमारी ये 4। एक्सरसाइज 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया है, एक्सरसाइज 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 4 का हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज हमारा ये है 4, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स में आपको मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है फिर ये कोन में से। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। सो दैट द कंडीशन दैट द प्लेन यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0 मे कट द कोन दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इन परपेंडिकुलर जनरेटर्स इफ इज बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर सी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए पहले तो इसका 3D इमेजिनेशन एक माइंड में बना लेते हैं कि कोई भी प्लेन किसी कोन को परपेंडिकुलर जनरेटर्स पर किस प्रकार कट करेगा। देखिए आपको एक एग्जांपल दे दी पहले, कोन हमारा किस प्रकार से बनता है, एक रफली आइडिया मैं देने वाला हूँ। कोन हमारा किस प्रकार बनता है कि हम मान लीजिए एक्सिस है हमारा, मीन्स इसके अबाउट किसी लाइन को रोटेट कर दें तो ये हमारा कोन बन जाएगा। इसको यूं घुमाते गए, यूं घुमा दिया चारों तरफ, इसके यूं घुमा देंगे तो हमें एक कोन मिल जाएगा, राइट। तो इस लाइन को हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ द कोन। अब जब हम किसी परपेंडिकुलर लाइन से इसको कट करेंगे तो हमें वहाँ पर इस टाइप से दो जनरेटर मिलेंगे और वो जो जनरेटर हैं वो हमारी परपेंडिकुलर हैं, यही तो इन्होंने बोला है। सो दैट द कंडीशन दैट द प्लेन दिस मे कट द कोन दिस इन परपेंडिकुलर जनरेटर्स, मतलब दो जो ये जो हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा जब कोई प्लेन आएगा किसी कोन को कट कर जाएगा तो ये हमारे जो दोनों जो लाइन मिलेंगी तो दोनों जनरेटर हमें मिलेंगी वो हमारी होंगी परपेंडिकुलर। अब किस प्रकार से होंगी हमारी इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये है हमारा कोन, कौन सा कोन है ये, ये है हमारा कोन बन। प्रूफ हम सीखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ कोन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब एक प्लेन आता है और एक प्लेन इसको यूं कट कर जाता है, भाई इसको हम शो किस प्रकार से करेंगे। देखिए आपको मैं एक और आइडिया दे देता हूँ। देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई एक कोन है, क्या है कोन, ये मान लीजिए कोई क्या है कोन, राइट। ये हमारे पास कोई कोन है और अब हम एक प्लेन को लेके आए, एक प्लेन को लेके आए और इसके बायटैक से यहाँ से हाफ कर दें एकदम इसको, तो दो जनरेटर हमारी बन जाएंगी, दो जनरेटर हमें मिलेंगी यहाँ से। मैं बीच में से ला करके इस कोन को कट करूँगा यहाँ से यूँ, तो हमें यहाँ पर दो जनरेटर मिलेंगे, एक तो ये और एक इस प्रकार से। तो जब हम इस कोन को किसी प्लेन, इस प्लेन से कट कर रहे हैं, कोई प्लेन आया इसको और इस कोन को कट कर गया, तो ये दो जनरेटर हमें मिली, एक तो हमारा ये है जनरेटर, जनरेटर वन और एक जनरेटर टू, जनरेटर टू। और ये तो दोनों जनरेटर हैं वो परपेंडिकुलर हैं। अब ये जो सामने जो हमें ये सरफेस दिखेगा ये प्लेन टाइप में होगा, ये जो सरफेस होगा हमारा वो इस प्लेन में लाई कर रहा होगा, इस प्लेन में लाई कर रहा होगा एकदम, इसको बीच में से वर्टेक्स से यूं कट कर दिया हमने एकदम कोन को। अब दो बातें हमारी यहाँ बनती हैं, भाई ये तो क्या जनरेटर है, ये भी जनरेटर है, और ये क्या प्लेन, प्लेन कौन सा हमारा, ये रहा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो प्लेन है, प्लेन इसको कट कर गया, राइट। अब हमको समझना क्या, प्लेन का नॉर्मल यहाँ पर इस प्रकार से होगा, प्लेन का नॉर्मल इस प्रकार से होगा, तो प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस जनरेटर पर किस प्रकार से होगा, परपेंडिकुलर, प्लेन का जो नॉर्मल है। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि ये जो जनरेटर हैं, क्या है जनरेटर, इनके डायरेक्शन को साइन है एल एम एन, लेट एल कॉमा एन वी द
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेनरेटिंग लाइन, जेनरेटिंग लाइन जो जनरेट कर रही है जेनरेटिंग लाइन के क्या डायरेक्शन कोसाइन। नंबर दो, एक बात और समझना है आपको, सबसे मेन क्या है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हमें सबसे मेन समझना है कि कोण के जो वर्टेक्स हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आपको समझना क्या कि ये जो हमारा कोण है वो होमोजीनियस है सेकंड डिग्री का। अगर कोई कोण होमोजीनियस है सेकंड डिग्री का तो 101% उसके जो वर्टेक्स होंगे वो हमारे होंगे ओरिजिन। और इस जेनरेटिंग लाइन के हमने डायरेक्शन कोसाइन माने हैं एलिमेंट, वो दोनों के हम एलिमेंट मानेंगे, वो आपको बताएंगे बाद में, इसका और हम डीप में जाएंगे, राइट। इसके फिर हम मान लेंगे L1 M1 N1, इसके मान लेंगे L2 M2 N2। फिलहाल के लिए हमें क्या होना है, एलिमेंट है किसके डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट, ये जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है एलिमेंट वो है जेनरेटिंग लाइन के, मतलब जेनरेटर ऑफ द कोन। और ये हमारा प्लेन है। अब हम यहाँ से समझ रहे हैं कि ये जो प्लेन होगा, प्लेन का नॉर्मल ये होगा और प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो जेनरेटिंग लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फ्रॉम द फिगर वी सी दैट द नॉर्मल नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द जेनरेटर, परपेंडिकुलर टू द जेनरेटर। जो काटा है, जो काटने पर जो क्रॉस सेक्शन बना है हमारा, उस जेनरेटिंग लाइन पर, दोनों जेनरेटिंग लाइन पर प्लेन का नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर हुआ। नंबर दो समझने क्या है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एक्स वाई और जेड के जो कोफिशियंट होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशियंट, प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्योंकि नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर है जनरेटिंग लाइन पर, इसका मीनिंग क्या है कि AL प्लस BM प्लस CN जीरो होगा, मींस डायरेक्शन कोसाइन किसके, जनरेटिंग लाइन के। तो एक काम और कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन में ही लिख दे रहा हूँ, इट इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन और जनरेटिंग लाइन, जनरेटिंग लाइन ही पर लिख दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, x माइनस जीरो अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस जीरो अपॉन M, z माइनस जीरो अपॉन N। और ये जो हमारी लाइन 3 है, ये हमारा क्या है, कोन 1, ये क्या है, प्लेन 2। ये जो नॉर्मल है इस प्लेन का वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो UL VM WN हमारा 0 होगा। मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन रेशियो कोसाइन के करस्पोंडिंग, जो हमारे करस्पोंडिंग डायरेक्शन कोसाइन है उनके प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। मतलब UL प्लस VM प्लस WN हमारा 0 होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये LMN है जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, और यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो UBW, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइन तो हैं ही ऑलरेडी परपेंडिकुलर, ये लाइन और ये नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, ये U जा रहा है लेकिन दर्शाएंगे हम इस टाइप से, तो इनके प्रोडक्ट का सम भी 0 आएगा। पहला इक्वेशन हमें मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने एक और हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई कोण है जो सेकंड डिग्री का है और सेकंड डिग्री का है तो उसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, उसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन। यदि किसी कोण का वर्टेक्स ओरिजिन है या फिर वो कोण सेकंड डिग्री का, बात एक ही है, अगर ऐसा है तो जो हमारी जनरेटिंग लाइंस हैं उनके डायरेक्शन कोसाइन कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे 101%। कोण की इक्वेशन को, ये हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया, अगर कंप्लीट सारी वीडियो देखेंगे कोण की तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। कोण हर पॉइंट को हमें समझना होता है, एक चेन हमारी बनती है, जब हम एक्सरसाइज बन को करते हैं तो कुछ पॉइंट एक्सरसाइज बन के एक्सरसाइज 4 में 5 में 3 में हम यूज करते रहते हैं, राइट। तो जो जनरेटिंग लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन
कोण की इक्वेशन को, कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की जगह l, y की जगह m और z की जगह n का रखना होगा। फ्रॉम फर्स्ट ए एल स्क्वेयर डायरेक्ट रख देंगे, वी एम स्क्वेयर प्लस सी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, सिंस एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जनरेटिंग लाइन, चूंकि जनरेटिंग लाइन है, लेकिन ये तभी सेटिस्फाई करेंगे जब हमारा कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है, और कोन का वर्टेक्स ओरिजिन तभी होगा जब हमारा कोन जो है होमोजीनियस है सेकंड डिग्री में। जी आपको समझना होगा, ये आपको पॉइंट अगर आप समझ लिए, दो पॉइंट, ये दो इक्वेशन निकालनी थी हमें, फोर और फाइव, और फोर फाइव निकालने के लिए ही हमने ये कुछ समझा है। पहला प्लेन ये आया, प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन, नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो जनरेटिंग लाइन, जनरेटिंग लाइन पर परपेंडिकुलर होंगे, तो इनके प्रोडक्ट का सम जीरो आएगा। नंबर दो, जनरेटिंग लाइन के जो डायरेक्शन को साइन होंगे वो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये फोर और फाइव निकालनी है आपने, अब हमारा कार्य केवल इजी रह गया। अगर आप देखेंगे तो हमें केवल ये शो करना है कि ये जो एल एम एन है, अभी हम यहाँ पे एक दो पॉइंट और बताएंगे। अब मैं पहले इसको रफ कर दूँ, राइट। अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ से आगे इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट। किस प्रकार से करेंगे देखिए, इसको बना रहने दीजिए, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और समझाने हमें। तो हमारी जो फोर और फाइव जो इक्वेशन आई हैं वो हमारी ये थी, ए एल क्या थी, यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम फोर। नेक्स्ट फोर से हमने लिया, राइट, फ्रॉम फोर से हमने ये ले लिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो एल का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर एन का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम निकालने वाले हैं एन का वैल्यू, एन का वैल्यू निकालेंगे किस प्रकार निकालेंगे, डब्ल्यू एन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू एल प्लस वी एम अपॉन डब्ल्यू को मैं नीचे ले गया, तो ये डब्ल्यू हमारा, मैंने एन का वैल्यू निकाल लिया। अब मैं फ्रॉम फाइव में पुट करने वाला हूँ, और फाइव क्या थी हमारी इक्वेशन, नाउ फ्रॉम फाइव, फाइव क्या थी हमारी, ए एल स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर प्लस सी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। आप चेक कर सकते हैं, यही हमारी थी क्या इक्वेशन नंबर फाइव। ये एन का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ए एल स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर प्लस सी एन है हमारा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एन स्क्वेयर करेंगे तो यू एल प्लस वी एम अपॉन डब्ल्यू का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो डब्ल्यू स्क्वेयर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू ए, या फिर ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर प्लस सी यू स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस टू यू बी एल एम। आप समझिए आप, क्योंकि हमारे यहाँ पर डायरेक्शन जो जनरेटर है, नंबर ऑफ जनरेटर, जब हम किसी कोण से काटेंगे तो कितनी बनेंगी, टू, तो ये हमारा टू डिग्री में बनेगा, बताएंगे अभी फिर से कैसे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एल स्क्वेयर वाली टर्म को कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो ये हमें मिलेगा ए डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी यू स्क्वेयर इंटू एल स्क्वेयर। अब हम लिखेंगे यू बी वाली टर्म, तो ये हमारा हो जाएगा यू बी वाली टर्म प्लस टू यू बी एल एम, और यहाँ से हम लिखेंगे, अच्छा ये हमारा यहाँ पे भी डब्ल्यू स्क्वेयर आएगा, डब्ल्यू स्क्वेयर यहाँ पे आएगा, वी डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी वी स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये हमको मिलेगा। अब हमें क्या समझना, देखिए यहाँ से एम स्क्वेयर का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई एम स्क्वेयर, डिवाइडेड बाई एम स्क्वेयर बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा ए डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी यू स्क्वेयर इंटू एल अपॉन एम का होल स्क्वेयर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एम स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, तो एल अपॉन एम का होल स्क्वेयर यहाँ क्या मिलेगा, प्लस टू यू बी एल अपॉन एम
प्लस वी डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से समझिए, अब डायरेक्शन और जेनरेट नंबर ऑफ जनरेटर जो थे हमारे वो तो दो थे यहाँ पर हमारे, और ये जो इक्वेशन बनी है ये भी हमारी टू डिग्री बनी है। तो हम ये मान लेंगे, अभी तो हमने यहाँ पर क्लियर नहीं किया था कि भाई कौन से डायरेक्शन, ये जो एलिमेंट है वो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन की है इस लाइन की। अब हम एकदम क्लासिफाई कर देंगे क्योंकि टू डिग्री में है और कोई भी इक्वेशन टू डिग्री में है तो उसके दो रूट हमें मिलेंगे। भाई टू डिग्री में है ना ये, तो दो डिग्री में होंगे, इसका मीनिंग है एल अपॉन एम की दो वैल्यूज होंगी, एल अपॉन एम की दो वैल्यूज होंगी, तो एक तो इसको रिप्रेजेंट करेगी एक इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो हम ये मान लेंगे लेट, यहाँ लिख देना चलिए, लेट एल वन अपॉन एम वन एंड एल टू अपॉन एम टू वी द टू रूट्स, टू रूट्स ऑफ द एबव इक्वेशन, मीन्स दिस ऑफ द इक्वेशन फाइव सिक्स ऑफ द इक्वेशन सिक्स। अब इसको हम दो तरह से सोच सकते हैं कि भाई L1 वन अपॉन एम वन और L2 टू अपॉन एम टू इसके रूट्स हैं, पहला तो ये, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि L1 वन एम वन एन वन तो इस लाइन के डायरेक्शन को साइन है और L2 टू एम टू और N2 इस लाइन के डायरेक्शन को साइन है। दो तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, आप भाई इसके रूट्स हैं मतलब LM, और वाकई में हमारे LMN क्या थे, वो एक हमने वेरिएबल लाइन मानी थी, मतलब वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही हमने रूट्स क्लासिफाई कर दिए तो इसका मीनिंग है L1 M1 N1 इस लाइन के डायरेक्शन को साइन होंगे, L2 M2 N2 इस लाइन के डायरेक्शन को साइन होंगे। पहले तो हमने वेरिएबल में माना था कि भाई एलिमेंट होंगे तो एलिमेंट इसके भी हो सकते हैं और इसके भी। अब एकदम आपने हमने क्लियर कर दिया कि हाँ भाई टू डिग्री में बनाए तो इसके दो रूट होंगे, तो हमने मान लिया कि L1 M1 N1 जो है फर्स्ट जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन को साइन है और L2 M2 M2 सेकंड जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, राइट। तो दो रूट होंगे, अब ये दोनों हमने इसके रूट्स माने L1 अपॉन M1 और L2 अपॉन M2, तो इनका हम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मान लीजिए इस जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और इसके डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, तो हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है जब ये जनरेटिंग लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाए। ये तो बोला है कंडीशन दैट प्लेन दिस मे कट द कोन दिस इन परपेंडिकुलर जनरेटर्स, परपेंडिकुलर जनरेटर्स पर कट करेगा तो इसका मीनिंग क्या, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ और 90 है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू जीरो हमें लेके चलेंगे हम, ये ऐसा होगा। तो हम ये L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सम ऑफ रूट्स नहीं निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, वो हम देख लेते हैं कहाँ किसका यूज करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा होता है माइनस सी, सॉरी सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जनरल हमारा फॉर्मूला था ये सी अपॉन ए। तो हमारा रूट्स क्या है, हमने ये माने हैं मीन्स एल वन अपॉन एम वन इंटू एल टू अपॉन एम टू इज इक्व टू सी का वैल्यू कितना है हमारा ये रहा और ए का वैल्यू हमारा ये रहा, मीन्स वी डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी वी स्क्वेयर अपॉन ए डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी यू स्क्वेयर, ये हमारा दिखना चाहिए, राइट। तो ये हमने निकाल लिया, अब हमें L1, L2 और M1, M2 का वैल्यू चाहिए, तो उसको हम बड़े सिस्टमेटिक वे से निकालते हैं किस प्रकार, तो वो नेक्स्ट पेज पर जाना है आपको, किस प्रकार निकालेंगे इसके वैल्यू। अब देखिए हमें क्या करना है, L1, L2 अपॉन इसके अपॉन में ले जाएंगे वी डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वन एम टू को मैं ले जाऊंगा, तो हमें मिल जाएगा एम वन एम टू अपॉन ए डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी यू स्क्वेयर, राइट, सी यू स्क्वेयर। अब हमें समझना क्या है, एन वन एन टू, देखिए जब हमने फोर और फाइव जो इक्वेशन आई थी हमने वहां से एन को एलिमिनेट किया था तो हमें ये मिला, अगर मैं एम को एलिमिनेट करता तो हमें क्या रिलेशन मिलता, सिमिलरली
इफ फ्रॉम 4 and 5, जो 4 and 5 जो इक्वेशन निकाली थी आपने, ए एल यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन, और एक हमारी आई थी ए एल स्क्वायर वी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर मैं वहां से एलिमिनेट करता, क्या मैं एलिमिनेट करता किसको, एम को, इफ वी एलिमिनेट एलिमिनेट, आप देख लीजिए इसकी स्पेलिंग क्या है, एलिमिनेट एम, देन वी विल गेट क्या हमें मिलता, फिर हमें क्या मिलता, एम को एलिमिनेट करते, एम को किया तो ये मिला, अगर हम एम को करते तो क्या मिलते, एल वन एल टू, और एम को एलिमिनेट कर दिया तो एन वन एन टू की फॉर्म में मिलता हमको, क्या मिलता, देखिए इसमें होता क्या, एक सिमेट्री हमारी बन रही है, क्या बन रही है, सिमेट्री, तो सिमेट्री में क्या होगा, ए के बाद आता है वी और वी के बाद आता है सी, इसको हम सिमिलरली लिखेंगे डायरेक्ट, राइट, यहाँ आता है हमारा क्या है, यू बी डब्ल्यू है ना, यू बी डब्ल्यू, हाँ ठीक है, यू यू के बाद हमारा क्या आता है वी, और वी के बाद आता क्या आता है हमारा डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू के बाद फिर से यू आ जाएगा वापस, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर से सी के बाद ए आ जाएगा, तो एल वन एल टू तो हमें यही मिलता, वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर, लेकिन एन वन एन टू में क्या मिलता है, यहाँ से हम फाइंड करते हैं वी के बाद क्या आता है सी, सिमिट्री देखते हैं हम, डब्ल्यू के बाद यू, सी के बाद ए, वी के बाद डब्ल्यू, ये हमको मिलता, अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीनों को हम इक्वल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है एल वन एल टू अपॉन वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन एम टू, यही मिलता अगर आप एलिमिनेट करते हैं, लेकिन हम इसको निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो फिर लॉन्ग हो जाएगा, आप इसी प्रकार जैसे हमने ये निकाला एन को एलिमिनेट करके, आप एम को एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमने निकाला नहीं बल्कि सिमिट्री से लिख दिया, तो निकालेंगे तो फिर से लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो हम इसको सिमिट्री का यूज करेंगे, तो हमारा एम वन इंटू एम टू का वैल्यू हमें मिलेगा ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन वन इंटू एन टू अपॉन सी यू स्क्वायर इंटू ए डब्ल्यू स्क्वायर, और इसके इक्वल मान लेंगे के, हमने बोल दिया भाई ये के का इक्वल है, राइट, तो एल वन एल टू का वैल्यू, एम वन एम टू का वैल्यू, एन वन एन टू का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इट इज गिविन दैट जनरेटर्स आर परपेंडिकुलर कट बाय द प्लेन दिस, राइट, तो एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इज इक्वल टू 0 होगा, तो अगर हम इसको इसके को लेंगे तो हमें एल वन एल टू का वैल्यू कितना मिल जाएगा, के इंटू वी डब्ल्यू स्क्वायर, वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर प्लस एम वन एम टू का वैल्यू हमें मिलेगा ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर प्लस एन वन एन टू का वैल्यू मिलेगा के इंटू सी यू स्क्वायर प्लस ए डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के हमने कॉमन लिया 0 में भेज दिया, के हमने कॉमन लिया 0 में भेज दिया, अब आप यू बी डब्ल्यू के टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, यू कहाँ है, एक तो हमारा ये रहा, एक हमारा ये रहा, तो यहाँ से जब आप, अच्छा कुछ मिस्टेक हुई क्या, कहीं कुछ गड़बड़ सा लग रहा है हमें, सॉरी एक मिस्टेक हुई हमसे यहाँ पर, आपको सिमिट्री आप चेक करेंगे तो L के बाद M, M के बाद N पे जाएंगे आप, किस पर, N पर, तो वाई सिमिट्री से जब हम लिखेंगे इसको, एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई छोटी सी, कि जब हम सिमिट्री बनाएंगे यहाँ पर तो वो आपको इस तरह से बनानी होगी, ये हल्का सा यहाँ पर मिस्टेक हुई हल्का सा, क्योंकि हमें लग रहा है, देखिए क्या मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट बस, बस दो मिनट की मिस्टेक हुई है, हम ना भाई सिमेट्री से L1 अपॉन L2 अपॉन वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर, क्योंकि L के बाद M आएगा तो M से हम N का वैल्यू बनाएंगे, इससे N से L M से मिलेगा हमें N का वैल्यू, तो M1 M2 अपॉन ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर, मतलब L को एलिमिनेट करेंगे तब हमें ये मिलेगा,
पहले हमने एन को किया, फिर आप एल को करिएगा एलिमिनेट, राइट। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो किसी को एलिमिनेट कर लो, तीनों इक्वल आ जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन सिमिट्री बनाएंगे तो सिमिट्री में एल के बाद फिर एम लिखेंगे, फिर एम की वैल्यू से एन का वैल्यू लेंगे। मीन्स एन वन एन टू अपॉन ए के बाद आएगा वी, डब्ल्यू के बाद आएगा क्या, डब्ल्यू का क्या यू, और सी के बाद कितना आएगा ए, और यू के बाद हमारा आएगा वी। ये बात ध्यान रखना होगा, हल्का सा हमसे मिस्टेक हुई, क्योंकि हम इस सिमेट्री में क्या होते थे, हमने एल से हम एन पर कैसे पहुंच जाएंगे, बीच में ब्रेक हो गया ना जी, एल से एम आएगा, एम से एन आएगा, यू से बी, बी से डब्ल्यू, वी से सी, सी से, तो हम एल एम को लिखने के बाद फिर हम एन का वैल्यू लिखेंगे। अगर आप एल से डायरेक्ट निकालेंगे तो ये थोड़ा सा एक स्टेप आप फॉरवर्ड चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान इसको मान लेंगे हम के इक्वल, हम सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या हुआ, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, एल वन एल टू कितना लगा, के इंटू वी डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी वी स्क्वेयर। और ये हमारा, हमने इसको डायरेक्शन कोसाइन में भी कराया है, आप देखेंगे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, थ्री डी पढ़ेंगे आप हमारे जो यहाँ पर थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, वहाँ पर हमारा सेम क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो कोन में नहीं, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में, ये आपको इस प्रकार से मिलेगा कि फोर और फाइव जो क्वेश्चन आइए ना वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, फोर और फाइव से सेम आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो ये मिलेगा के इंटू ए डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सी यू स्क्वेयर प्लस के इंटू वी यू स्क्वेयर प्लस ए वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। आप के कॉमन लेंगे तो जीरो में चले जाएंगे, आप फिर यू का वैल्यू करेक्ट कीजिए, यू ये रहा यू ये रहा, तो सी प्लस बी ये मिल गया सीधा, बी प्लस सी करेक्ट मिलेगा अब आपको एकदम 100%। यू के बाद क्या बी, तो बी में आप ए स्टार वाली टर्म देख लीजिए, वी और ये रहा बी, तो क्या मिल गया सी और ए, मीन्स ए प्लस सी वी स्क्वेयर प्लस। नेक्स्ट हमारा डब्ल्यू बचा, तो डब्ल्यू में आपको मिलेगा वी और ए, मीन्स ए प्लस वी डब्ल्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर टू, उस वो मतलब हमारा वो भी हमारा काफ़ी लॉन्ग है, तो देखेंगे उसको शायद करा देंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन हमने देखा है क्योंकि हमारे टाइम से हम देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं बहुत सालों से बीएससी वालों को, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो कठिन क्वेश्चन है ना वो हमारे आते नहीं हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है।